न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 को लेकर धोनी ने दिया है बड़ा बयान। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए हैं 3 बड़े बदलाव। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 के अपने पहले ही सुपर 12 मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली हार है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से पहले ही हथियार डाल दिए थे उसकी जमकर आलोचना हो रही है, वहीं टीम के चयन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना है और भारत को यह मुकाबला किसी भी हाल में जीतना होगा और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में बड़े उलटफेर कर सकती है। तो आइए दोस्तों ऐसे में नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया किन बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी फिर से एक बार मैदान पर दिखाई देने वाली है। वहीं नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 4 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले में नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को आराम दिया जा सकता है, वहीं उनकी जगह 4th नंबर के लिए ईशान किशन को टीम में शामिल करना लगभग तय माना जा रहा है। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर को हार्दिक पांड्या की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, जबकि नंबर 9 पर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया जाएगा। वहीं नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, जबकि नंबर 11 पर भुवनेश्वर कुमार की जगह राहुल चहर को टीम में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।